माझ्या रूपाचा राजा रे, तूच माझ्या रूपाचा राजा रे। एक नंबर कोण आहे? एक नंबर बाहेर खोलना देखो नया नंबर आया तो समझना कि बोलिए कि आया कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम है जानो मैं अभी तो अभी आया नंबर जस्ट अभी जस्ट मिनट को बुलाएंगे अपने सेंटर में फोन करा हां थोड़ा लेट हुआ क्या सुबह पहुंचते क्या आपको कॉल किया था मैं आप सो रहे थे क्या परदेसी मेरे मुझे छोड़ के आना परदेसी तुझे जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरी यारा मुझे ना भुलाना कभी याद नहीं रखना कभी भूल न जाना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मेरा नंबर कितना है पहला मी इकड शूटिंग कार्ड लावलं बाय क्या बोल रहे हो माय काय वाटूळक केलंय कामून असं केलंय मी काय कोणाचं वाटूळक केलंय गोड गोड बोलून काटा काढलास के माय माय
तिघी पिली होती. तुला वाटलं नाही काय एक मैजाशी लोकांची लेके कामून केलंय कामून केलंय माय 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 तुला वाटलं नाही काय लेकर लहान लहान आहेत म्हणून माय लेकर लहान लहान आहे तुला कशी किंवा आली नाही मी माय माय मायो माय मायो माय माय मी नवऱ्याचा गंग तोडलं नाही समजा समाज समजलंय समजलंय मात तू आज केलं माय मायो माय मायो माय 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 जल्दी बोलने तो पूरा भसम कर दूंगा जलाऊं लगाऊं तेज से आग हाँ कब मारो बोले थे इसको हाँ कौन है तुम्हारे कब से हो रहा हूँ कितने साल से हो रहा हूँ दो तीन महीने तो उससे पहले राइट थे ना कमर दुखाई इधर लगाओ पेट को भी लगाओ इधर ये पार्टी वन रेश्वर एक सीर पे खड़ी रखी किसो नीचे सीर पे सच एक आध बोट और घूम लाओ तो सर नहीं थे कपड़े उन लावा कपड़े पे सच लगाओ जकड़ लो इसको और तेज जकड़ लो इसको इस शैतान इसको काट क्या करेंगे अपुन भसम करते जमीन में गाड़ दी उसको अरे काट के गाड़ दो तुझे जमीन में क्या कर रही उसके आंगन में मेरी मानो शायद भाई का कौन है तू कर
माणूस आहेत बाईक पाहत कोण आहेत काय नाव तुझा सांग लवकर पुरा भसम कर दुंगा काय कोण खिलाय ते इसके कोण ने खाने मिला खिलाय इसके हा जल दे भसम कर दूंगा जकड़ लो उसको और ते जकड़ लो उसको भसम कर जकड़ो उसको और ते इसे जकड़ लो उसको और ते इसे भसम कर देंगे उसके बोल कर दू भसम हाँ चल बताओ कैम मिला खिलाए थे कशा मधी खाओ घातले चा मधी कशा मधी चा मधी कोणी टाकले ते माईन टाकलं काय नाव त्याचा गंगा माय कोण आहेत त्याची ते काय नाता त्याचे संग त्याच्या नवऱ्याची मामी है कुठं राहते ते गावातच राहते काय दुश्मनी काय होती काय नव्हती बाप्पा त्याचे नवऱ्याचे बी खावामध्ये घातले मानोरा कोठच गेला नाही घरातून मी तरी जाऊन बसत होते कामानिमित्त गेले होते मी मला म्हणले बाजव बस जीव कावा घेणार होते त्याचा जीव मी बसले नाही बाजव त्या जीव कावा घेणार होते बाईचा हा हे बाईचं काय नाव राधा राधाबाईचा जीव कावा घेणार होते अम्मा असकू पुन्हा हा कब मारने आलते असतू अम्मा असमे पुन्हा मे पुनवाला कैसा मारने आले ते असच खेळून खेळून मारायचं होत बिमारी बिमारी बदल की काय दुश्मनी काय होती तुझी काहीच नव्हती दुश्मनी मात उगच करून पाहिलं कशाला तसा दुश्मनी सांग खरं खर उगच करून पाहिलं लबाड नाही खरं खर सांग खरं सांगायले उगच करून पाहिलं तुझी त्याची नवऱ्याची दुश्मनी आहेत का काय नाही काहीच नाही काहीच नाही काहीच नवरे कब मारने आले नवऱ्याचं माहित नाही और क्या पूछने का है गंगूबाई कौन है कोणाचं नाव निकला आहे गंगूबाई इससे पहले कभी नाम निकला क्या नाही असं घेत होती माय माय मानित होती तिला मायच म्हणते आणखीन गंगूबाई नाव वैसा इससे पहले कभी कहीं खुलासा हुआ क्या नाम वाम निकला क्या शैतान ने बोला क्या नाम ते हो नाव सांगितलं कुठं सांगे फळला काय नाव सांगितलं ते ना गंगाबाई कोण आहेत ते तुमची ते मामी पडते आमची काय दुश्मन त्याची तुमची दुश्मनी काहीच नाही आमची खरं सांग रे कोण टाकले तर त्याच्या मग चाया मधी हा खर खर सांग गंगा मैन टाकले कोण नाही टाकलं दुसरी आहे ना टाकाय लावलं गंगा मैन टाकलं या टाकाय लावलं काही शहरा कोणी टाकलं नाही त्या दुसऱ्यांना आला किस ने नाही नाही चुप गंगाबाई का नाम दे रे क्या चुप गंगाबाई का नाम बदनाम कर रे नाही हा नाही तिनं टाकलं नाही कोणा तरी दुश्मनी काय अशी म्हणून टाकलं असं नाही नाही काय गंगाबाई का नाम पिशवी दाल की दुश्मनी तू नेले का कोई नाही नाही खरं खरं सांग खरं सांगायले मी तू मरे आली औरत आहे मी नाही जिवंतच आहे मी तू कुठं राहते कानकेड मध्ये राहते जादूगरला किती पैसे दिले होते त्यांना काय माहित नाही थोडं हो खरं सांग काय माहित नाही चल ये बाई कुका मारने आलते हो बोल सायसे बोल पुनवला पुनमला रात्री सकाळी रात्री रात्री मारने आलते किती बजे किती बजे 9 वाजता 9 वाजता रात्री 9 बजे मार देते उसको वारे वाचे दादा गिरा चल रहा कैसा एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के कैसा कंबरोवर घातलं होतं हो कंबर
कंबर दुखत होती कंबर साठी घेऊन गेली मला गावाला बघितल्या एकदा घरला आली होती माय तुला कंबरवच घातलं काय की म्हणली हे बाई का क्या नाम है राधा राधा भाई का कपड़ा केस बाल वाल कुछ लेके गए थे क्या जादू चलाते टाइम पे खर सांग खर सांग केस काय तरी कपड़ा काय तरी घेतले होते का नाही जादू चला को काहीच नाही हां मी जाऊन बसली होती त्याच्या घरी खर सांग खर सांगायले हो हां मी जाऊन बसली होती त्याच्या घरी मी कामानिमित्त गेले होते हां मात ते चापे चापे कोणी म्हणत होते मला मला मी मोकळे पणातच गेली मी चाय पिरी थी ने चाय पीने में डाले उसके चलो इसको जरा पानी पिलाओ उसके पेट में जांग लगेंगे अपने बात मत करो कट करके निकलाओ कितना टाइम बचा था भाई को राधा भाई को मारने को एक महीना दस दिन बारह दिन पंद्रह दिन दो महीने छह महीने कितना टाइम तीन महीने के बाद कौन सी तारीख है थी कौन सा महीना है थी महीना कौन सा है थी ले ले ली नहीं हो मतलब कहीं मत नहीं तो खर खर सांग अगर कापूं तो ला जमीन में तो गाड़ देंगे काट के आप कहते रात चल रहा लोगों को जादू टोने करके परेशान करने को चलो इसको पूरा भस्म कर देंगे इसको बंद के डालो इसको और तेज से बंद डालो इसको चकर लो इसको और तेज से आईने क्या करती आंग में आके गाने गाती थी हाँ। और ये गाने गाती अस वर्ल्ड थी माय माय मन और ये गाने अंदर गा गा के परेशान कर रही थी उसको हाँ चकड़ो उसको और तेज से कहाँ से आए तुम कौन से कानखेल वो कहाँ था पूर्णाच्या बाजूला से निळा कानखेल पहिले पूर्णा से आगे नाही पूर्णाच्या पलीकडे इकडे साईडला आहे पूर्णा चला के राख कर दिनी हात आपी का पूर्ण जगड लो तोर से बंद के डाल दो इसको बंदो उसको तेजी से बंद के डाल दो उसको सही सही मेरे को सब सुनाना आके दूसरे चक्कर में कौन डाले थे कैसा जादू करे थे कब मारने आते भाई को सारे बात सही सही सुनाना अगले चक्कर में और वो कौन से भाई का नाम ली रहे हैं गंगा भाई गंगा भाई का नाम खरा खरा है तो लबाड़ सांगा लागली का है नहीं खरच है खरा गंगा भाई दवा कुठून आणली होती ते आंध्रातून आणली आ कुठून आंध्रातून कहां से लई थी आंध्रा से तो किसके कितने पैसे दे के लई उन्हें त्याच्या घरी बाई येते एक हां त्या बाई पासून केले त्याने मला अच्छा ते बाईचं काय नाव आहे ते राधा मा आहे राधा मा हेचा भी नाव राधाच आहेत की हो हां हो ते राधा मा कुठे राहती ते आंध्रा मध्ये राहती कहां राहती अंधारात आंध्रा मे ते गाव तिचं गावचं नाव गावचं नावच आहे आंध्रा आंध्रा नाव काय माहित नाही आंध्रा कुठे आहे ते गाव आंध्रा गाव कहाँ पे हो आंध्रा गाव ते धानोर आदिलाबाद आदिलाबाद आंध्रा प्रदेश गावचं नाव काय रे आंध्रा प्रदेश मधी हा खरं खरं सांग हा ते परदेश आहेत ते आंध्रा गावचं नाव सांग काय हा त्याच गाव हा त्याच गाव हे गौरापूर कुठ आहे ते धानोऱ्याच्या बाजूला आहे तिकडच गौरापूर मध्ये सोयरी होत काही है वो गाँव सही हाँ है गौरापुर कहाँ था वो ये थे महाराष्ट्र की बॉर्डर खत्म होने के बाद हाँ अंदर आने के बाद अच्छा
कर दो स्टॉप स्टॉप कर दो किसके तुम्हारे घर के हिंदी में बोलो दुनिया तुम पूरी देख रही पूरी दुनिया को हिंदी समझती मराठी खाली महाराष्ट्र में समझती हाँ एक भाई मर गया हमारा ऐसा दुखना दुखना बोल के एक पिताजी मर गए अरे त्याचे भाऊला आणि त्याचे वडीलला उसके बाप को उसके भाई को किसने मारा था खर खर सांग खर सांग लाव तुझे दोघा हातामध्ये आग हा लोकांच्या पैशासाठी मारले माझ्या भायाला हा काय ते बग्गा गेले होते हा त्याला म्हणले पैसे कमी घ्या हा म्हणून टीबीचा तोडपुडी केलं होतो दवाखाना दवाखाना भरला अकरच्याला म्हणले भरून टाक ह्याला मारून टाकलं दोघाला भी ते सासऱ्याला पान लागलं होतं मया फलात दिलं नाही म्हणून मारून टाकलं मया सासऱ्याला फलाट दिलं नाही रे म्हणून मारून टाकलं सरप करून सोडला पोळ्याच्या करीला मग मला जिरवाय बसले होते हे दुसरा भाई को काही मारे उसके टीबी घातली टीबी पुडी हा तुम्हारा भाई टीबी की बीमारी हो तुम्हारा और तुम्हारा बाप साफ 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 जादूचाच बनला होता आटे का मट्टी का काय कथा ते बसला होता गांजर गोड्या मधी माझ्या सासऱ्यानं मशीन सोडल्या बघितलं नाही मशी तुडून गेल्या सरपान दोनदा 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 धरलं अरे उसके भाई को काही कुमारे उसके पैशासाठी मारलं पैशासाठी क्या पैसे के वास्ते दुसऱ्याला दुखू लागलं दुसऱ्याच मामी म्हणून मामीला म्हणले कमी कर मामी पैसे मामी म्हणली याचा काटा काढा काय उशीर आहे म्हणून काटा काढला अभिषेक दुले खूप मारणे आले राधा भाई के माझ्या नवऱ्याला नाही खरं खरं सांग नाही राधा भाई पैसे नहीं दे रही थी बोल के मार रहे उसको भी हाँ बोल तुझी आणि ते राधा भाई ची काय दुश्मनी आहेत ते तर तुझी मित्र होती की मित्र होती आमच्या मशीला नेलं होत मया नवऱ्यानं 200 रुपये दिले होते म्हणून 100 रुपये राहिले होते म्हणून गेलो पित्राला दूध आणा गेले गिलास मया 15 दिवस घरी होता मग 10 रुपये घेऊन धाडलं मया लेकराला मी माता मी फुकटच कोणाच खाल नाही मी कोणाच्या यजमान जात नाही जस घरात येईल तसं मी खाते माता मला असं करून हिन सोडलं ठीक आहे तेरे बाप क्या बोलते तू तेरे फसम कर देंगे पूरा तेरे बाप का राज चल रहा है लोगों की जादू टोने कर नहीं नालायक हाँ लोगों की जाना ले रही जादू टोने करके उसके ससुरे को मार दिए जादू टोना करके बाप का राज चल रहा तुम्हारे उसके देवर को मार दिए जादू टोना करके बाप का राज चल रहा
चपड़ो सौते चपड़ो चला के खत्म कर दिए। अब क्या करना तेरे बच्चों को हम मारना क्या हाँ मारना पंडा का देख बस चलो उसके सारे जादू टोने जिधर के उधर पलटाओ, जो भी जादू टोने करके लोगों को परेशान कर रही उन्हें वो जादू टोना जिधर से उधर डालो, मारो वो शैतानों को बन के अंदर के शैतान को 12 बजे बंद डालो जंजीरा डाल के। आज आज रात में 12 बजे इसके अंदर के राधा के अंदर के शैतान को बंद डालो, बंद डालो उसको आज रात में जंजीरा डाल के तेजी से। ओ राधा भाई, ए राधा भाई, अरे देखो इधर देखो क्या हुआ, काय झाला तुम्हारे, ये कौन है, ये कौन है? नौरायण मां पीछे बैठा ले, कौन है वो? जाऊ है बोले तो उनके शोर को मारे के सवाल जवाब वाले कुछ याद है क्या यहाँ पे अभी? यहाँ पे कुछ सवाल जवाब वाले कुछ याद है क्या? तुम्हारा काय विचार कळतंय का? कळलं का उधर से काय बोललेलं? हां कळतंय। काय कळलं तुम्हाला उधर काय विचारलं बाबा? माय कोणती म्हणली? माय हे आपण काय म्हणू? माय कुठे विचारली? माय सवाल जवाब कुछ भी आलेंगे याद है क्या तुम्हारा अभी? तुम्हारे जाना तीन नंबर काय झालं तुम्हाला काय याद आहे का? कुछ याद आहे का क्या हुआ तो? मी तर काही झालेलं तुम्हाला कळतंय का? अभी क्या हुआ वो बोलो ना, थोडी देर पहिले वो याद आहे का बोला? काय काय विचारलं काय काय नाही, इथं याच्या अगोदर जे झालं तुम्हाला या बाबाचं तुमचं बोलणं काही कळतंय का? चहा मध्ये घातलं म्हणले, घातलं म्हणले मी, अण्णाला मारलं म्हणले, पुन्हा मामाला मारलं म्हणले, याद है तुम्हारे को? और कुछ नजर आ रहा था क्या? और कशामुळे मारलं काय? काय नाही पैशासाठी मारलं होतं बरं, माझ्या भायाला। आणि सासऱ्याला? सासऱ्याला फलाटासाठी मारले। कशामुळे दिलं सासरा? सासऱ्याला फलाट दिलं लोकायला, त्याला दिलं नाही फलाट सासऱ्याने, त्याच्यामुळे मारलं। अभी ज्यादा नहीं आया था, 50% से थी हाजिरी, दालों गिलास में पानी, मन से बात कर रहे हो? मन से नहीं, 50% आया, दिमाग खुला रखा मगर जबान को कंट्रोल में लेता हूँ। तुमने मिक्स कर लिए और जो बोलते थे पर बोला था, बोलते थे क्या बोली? माया नवरे लोग भेज दे, बोले मुझे अल्लाह भेजे दूध लाने के लिए ऐसा। वो अभी आधा आया कंट्रोल, पूरा नहीं आ जाएगा। आप पूछ रहे किसने करा? मैं बोले राधा भाई, एक उतारा होने के बाद जब पूरी पक्की हाजिरी देंगे, पूरी हाजिरी देने के बाद उसका नाम चाहता नहीं सामने खुद को। वो क्या करता, आधी हाजिरी में दिमाग कंट्रोल करता, जबान चलती, मगर पेशेंट को समझ में नहीं आता की मेरी जबान से कैसे अल्फाज निकल रहे कुछ लोगों। अच्छा पूरी पक्की 100% रहती, फिर पेशेंट का दिल और दिमाग सब उसके दावे में रहते, फिर पेशेंट कुछ नहीं याद, बाद में कुछ याद भी नहीं रहता। हाँ कुछ भी नहीं। अभी इनका जो अंग में आता था हमारे उधर भी समझो दिया जलाने के बाद उसको कुछ सुध नहीं रहती थी, बाद में पूछा तो कोई नहीं पता ही नहीं, पता ही नहीं बोले थे वो हस्केल की बात। तो 100% होगा था, मार मार के 100% ला लिया अभी तक। अभी इनका 50% आया, अभी इनका भी 100% लेंगे ना आगे। चलो उनको क्या बोलते तो लिख के दो उनके सामान वामन के ऐप पर। चलो कम तीन चार जगह बताए दवा खाना पूरा करे। तुम कब आए थे इससे पहले? आए थे एक चक्कर
तुम्हारा पेशेंट भी बहुत सीरियस लाए थे, गाड़ी में उठा के लाए, कुर्सी बिठा दी, नीचे बैठते आता नहीं पेशेंट। अब कैसी तबीयत उनकी? अभी थोड़ा चढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा खा रहे, लेकिन अब कल से बुखार आ रहा, बोल के मैं इधर आया तो बुखार आ रहा, तो कल से खाना बंद हुआ थोड़ा। इससे पहले भी तुम बहुत जगह लेके फिरे होंगे? बहुत फिरे दवा खाने, कम से कम तकरीबन पूरे औरंगाबाद में, अपेक्ष में, गाड़ी में, सहारा में, सब दवा खाने में कम से कम 2 लाख रुपए डाले हमारे, वो भी 3 लाख तो मेरे पे कर्ज है, हमें खाली पेंशन और रिटायरमेंट का है। अभी खाली 200 रुपए डाले होंगे आपने लंगर में? मैं पहले आज का वही ना, लंगर में खाली 200 रुपए में अपना इलाज चल रहे ना, है ना? आपने ना आपने तंग होगा, मैं बोला भाई अल्लाह घोड़े से प्रभु, 8 महीने से वो पानी तक पानी पर ही जी रहे, अल्लाह ने अभी तक कैसा रखा ये पता नहीं अभी तक। अब फिर यहाँ लाने और पता मिलने के बाद वो इस पर देखा मैंने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पे, तो मैं फिर तलाश किया तो बोले जुमा का बंद रहता, हफ्ते बोले क्या गए। फिर कैसी उनकी तबीयत? फिर खाए यहाँ से जाने के बाद 2-4 दिन से खा रहे फिरे थोड़ा, कल से सिर्फ वो बुखार आ रहा, बोल के बंदवा भी बुखार है। अल्लाह इधर आ गया, तुम्हारे को कैसा लगा? तुम पहले फिरे मैं कम से कम हमारे घर वाले को 22 साल से ये बीमारी आपने समझो करने का ही है। मैंने नांदेड़, बुलडाना, परभनी की इसके बाद भी एक जगह पर दिखाया था, लेकिन थोड़ा नॉर्मल फर्क गिरा और फिर बाद में और चालू हो गया। तो इनका जो 20 से 22 हमारे शादी होने के दूसरे साल से ये चालू करा, मेरी एक बच्ची है और जो हमारे नशे में जो बच्चे थे वो सब पूरे कम से कम अभी उसने हजरे में बता दिए कि 5 बच्चे खा लिए उन्होंने, 5 बच्चे खा लिया, इसको होना नहीं करके ये सब करा, लेकिन करते करते उसने उसकी मुदत भी बांधी थी, ये वो मुदत भी अभी पूरी छुड़ गई। मैं सबको अपील करता हूँ कि यहाँ पर कुछ खर्चा नहीं है, जो बाबा के लंगर में जो लोग यहाँ पे लोग रात को रहते वो सिर्फ 200 रुपए अपने मर्जी से डालने का, और खर्चा जो है लगता है यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी बाबा लेते नहीं यहाँ पे। मैं सबको अपील करता हूँ कि जिसको अपने को बीमारी है, तुम बहुत जगह पे दिखाए लेकिन तुमको फर्क नहीं गिरा, तो सबने यहाँ पे आके अपना जो आंख का आंका किस करने का रहो, शैतान का रहो, जो भी बीमारी है वो यहाँ पे हटती है, सबने आना चाहिए। और मेरे को भी कम से कम अभी लास्ट है कम से कम उसने 7 किताबा उसके जले हुए, कम से कम उसके 25 से 30 भावला जी रहे थे शिव में, हमारे गांव के और वहां के चारों तरफ के जो भावले वो पूरे चला दिए। और अभी लास्ट स्टेप में वो बोला कि बोले मैं लास्ट स्टेप में अभी जा रहा हूँ, अभी लास्ट में आया इधर, अभी नहीं रहेगा, मेरे को ये इतनी खाली। अच्छा, तुम इससे पहले दूसरे तरफ फिरे तो यहाँ में और दूसरे तरफ में क्या फर्क दिखा तुम आपको? बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है, उधर कैसा रहता था वो नॉर्मल, सिर्फ पैसे लेने का और पैसे खाने के वास्ते कोई लोग अभी चढ़ रहे होगा, लेकिन इधर मेरे को एक लगा कि पैसे लेते नहीं, तुम्हारा जो भी सामान है उसके अलावा 1 रुपये लेते नहीं, ये सब अच्छी बात है। और बाहर जो बता देते कि इतना खर्च आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, उतना बोलते थे, लेकिन इधर उस ऐसा कुछ भी नहीं। रिजल्ट कैसा रहता है लोगों को कैसा लगता है कि नहीं नहीं हमार को अभी इधर आए तो एक ही चक्कर में हमार को समझो फर्क गिरना, लेकिन ये कहा एक ऐसा है, एक जादू नहीं कुछ भी नहीं, टप्पे टप्पे से फर्क गिरते रहता है और जो कुछ भी रही बीमारियां हट जाती है। अब यहाँ तुम पहली बार है तो पहली बार में गिरा फर्क है दूसरी बार में? नहीं, पहली बार में तो बहुत ज्यादा हो गया था, फिर टप्पे टप्पे से परेशान हो कि वो जो सामने वाला है वो करने वाला वो टप्पे टप्पे से चला गया। और दीपावली की पीरियड में तो बहुत हो गया था, क्योंकि हम जहाँ पे जो समझो शिव हमारी भारी हुई, जो अपने भावले गाड़ी हुई हमारे गांव की और हमारे ससुर की, तो वहाँ पे जाने के बाद ज्यादा हो गए, फिर और चले गए तो उसका पूरा आंग काला और लाल गिर गए, तो हम बहुत परेशान हो गए कि मतलब क्या करना, बोले दीपावली की पीरियड की बात है। फिर बाद में 1 महीने के बाद और आए यहाँ पे आ गए तो पूरा निपटा डाले, अभी थोड़ा लास्ट स्टेप में अभी हो जाएंगे, मेरे को खातरी है। यहाँ गुण कैसा आता वो पूछ रहे तुमको? गुण गुण बोले तो तू आता गुण एकदम बोले तो टप्पे टप्पे से आता है, लोगों का कैसे रहता नहीं एकदम आना, लेकिन एकदम नहीं टप्पे टप्पे। फिर भी तो क्या बोलते, तो अब इनका तो इतना सीरियस पेशेंट था, तुम आप कितने इसमें गुण आया? 2-4 दिन में जब ही जागा 11 को अपन आए और
14-15 से खाना शुरू कर दिया पेशेंट। अच्छा उससे पहले नहीं खा रहे थे? उससे पहले कितने दिन से नहीं खा रहे थे उन्होंने खाना? 6-7 महीने से। अल्लाह लाओ बोलते थे, ये लाओ खाने के बाद शाम में लाए के बस एक रुकमा लिए बस उठा दो। अच्छा फ्रूट लाओ, ये लाओ, कुछ भी लाओ बस। अब यहाँ अल्लाह कलाम की कैसी ताकत, एक बार लाते जो ना आया फर्क हो गया अल्लाह का। सिर्फ बंद होगा खाना, अभी बुखार आ रहा है, फोन पे आया था कि बुखार है, तो जरा बोलो हजरत, मैं तो बोल देता हूँ हो जाता अल्लाह करम से, कोई मसला नहीं। 20 दिन के बाद अपने को आने का है तो गाड़ी में लाने की जरूरत नहीं पड़ना, ऐसे हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तुम्हारा दिल बोलता क्या, कैसा महसूस हुआ तुम्हारा लाने के बाद? इलाज हो रहा नहीं हो रहा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। नहीं ये हो रहा ना, कम्प्लीट इलाज हो रहा। लोग तो बोल रहे मेरे को क्या कर रहे, मत करो, करू ना को करूँ, छोड़ दो क्या लोगों के? नहीं, नहीं, तुमने नहीं करा तो ऐसे बहुत लोग आए, ऐसे बहुत लोग है कि जो लास्ट स्टेप में मरने को मौत से, अभी ये पेशेंट मैंने देखा, ये पेशेंट को पहले ससुर को मारा, बाद में वो अपने जी पेशेंट के देवर को मारा, अभी वो औरत भी समझो मरने के चक्कर में, और उसके अभी पूनम के समझो दिन 2-3 महीने के बाद वो मरने वाली, अगर वो भाई इधर नहीं आती थी तो वो मर जाती, बोले तो घर में की 3 पेशेंट मर जाती थी कई के बारे में। एक को समझो करनी का जो सांप लगाया उसने काट के लोगों को क्या लगा, पहले तो ऑलरेडी 2 मर गए, अगर नहीं पहुंचे मर गए, और ये तीसरा नंबर था उसका, मर का 4th नंबर है। तो अगर तुमने नहीं देखे तो ऐसे बहुत लोग आए कि तो यहाँ से दुनिया से चले जाएंगे, जरूरत है उनको, और तुम्हारी जरूरत है ताकि देखने की जरूरत है। अंदर बहुत किस्म का ऐसा होगा कि बस ये है वो, तो ये दौर में बहुत चल रहा जादू टोना, मगर अब कैसा है ओरिजिनल निकालने वाले नहीं बचे आले दुनिया में, डुप्लीकेटो ने दुकाना खोल के बहुत बढ़ गए आले। लोग क्या लगता है अगर उनका समझा नील कर देंगे बाद में हमारे तरफ नहीं आएंगे तो क्या करते, अधूरा रखते हैं, फिर बाद में 10 बार उसकी तरफ जाते हैं, पैसे निकलते रहते हैं। वैसा करने के अलावा उनको आना भी ना करने को, कांच का गिलास तोड़ने वाले बहुत रहते, जोड़ने वाला एक ही रहता, तो ऐसा जादू टोने उल्टे टिल्टे करके नहुसत यहाँ लगाने को तबा बर्बाद करने वाले बहुत है, मगर जोड़ने वाला एक ही थे, जोड़ने वाला एक ही, सही। जैसा कि कोई भी किसी को भी सम एग्जांपल, कोई भी किसी को भी छुरी से किसका भी स्किन फाड़ सकता, चमड़ा फाड़ सकता, मगर वो स्किन को कोई सी सकता क्या डॉक्टर के अलावा? तो डॉक्टर बहुत कम रहते फाड़ने वाले तो जगह जगह पे, तो डॉक्टर है कि तुम बराबर सीखे। हाँ अल्लाह करम से, वो कुदरती नेचुरली गॉड गिफ्ट है ना वो सब। क्या करेंगे अब, लोगों को देखना पड़ता हो, देखने में इसमें भूल जाते हो, नाश्ते की एक हद रहती है, एक लिमिट रहती है भूख की, जब ओवर लिमिट हो गई भूख की फिर भूख मर जाती, भूख मर जाती, फिर बाकी बीमारी चढ़ जाती है। अब क्या करेंगे लोग, देखो देखो सबको चले गया ध्यान, इधर बचाने में लग गए, इंशाल्लाह तबीयत अच्छी रहेगी तो बाकी के पेशेंट के भी ख्याल चलो ठीक है, अच्छी बात। अब दुनिया में क्या बोलते थे, अब लिया अल्लाह ने काम अपने से। हाँ दक्षिणा अफ्रीका का हमारा भी काम करो, बाहर जाने का चल रहा है हमारा, करा देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हाँ सही जगह पे आए, जो भी देते पुण्याचं काम प्रत्येक जण देत नाही, परेशान होऊन होऊन बाहेर खर्च पण हैरान होते, इथं येतात म्हणजे काहीतरी त्याच्या आई वडिलांची पुण्य आहे, त्याची काहीतरी पुण्य आहे, क्या मग घर बघ आणि आम्हाला भाई कोल्हापूर आर्मी औरंगाबाद खूप, लेकिन एक साल पहले औरंगाबाद आ गए, परभणी आ गए, तो ये फॉर्म मिल गए, वो भी कम से कम 20 साल से परेशान है। अच्छा अच्छा 20 साल से परेशान है, मैं 22 साल से परेशान है। ऐसा कर दे रहे ना, एक दूसरे पे कम बख्ता जादू टोने करके जिंदगी खराब कर दे रहे, और ये जिंदगी में लोगों को ओरिजिनल मिलता नहीं, निकालने वाला डुप्लीकेट उनको छील डालते पूरा और परेशान कर देते हैं।
वो डुप्लीकेटों को तो जहाँ पानी नहीं वहाँ जा गाड़ना उनको कमीनों को जमीन में, क्योंकि ऑलरेडी इंसान परेशान रहता उसको और परेशानी में डाल देते। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैज देने वाली जात अल्लाह की है, क्योंकि फैज देने वाले बंदे अल्लाह चुनता, अल्लाह पे फैज मिलेगा। बेवकूफ़ ये सिक्के बैठे आले सिद्धे हमला, उनको कहाँ से फैज देने आएगा लोगों को? ऐसा भी कुछ भी नहीं है, सब जात धर्म के आते हैं। ऐसा नहीं तुम भी ये करते कि नहीं, नहीं ये इसका है वो उसका, किसी पे भी भेदभाव नहीं करते। सब जात धर्म, मतलब बुद्धिस्ट रहो, मुस्लिम रहो, हिंदू रहो, कोई भी रहो, सबको दिखते सब एक समान, सबको एक समान आना पड़ता है। इस्लाम में वो है ना, इस्लाम का सिखाता सबके लिए है, सब एकता। असल हिंदुस्तान देखने का तो यहाँ मेरे यहाँ आके देखो बोलना, आज तो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट दे रहे, वैसा कर दे रहे, नालायक जातों में, इसमें उसमें बांट दे रहे, भेदभावों में, ऊंच नीचों में, फलाने फलाने बातों में। और असल हिंदुस्तान देखना है तो यहाँ देखो, हर जात हर इंसान सब एक समान, और सब बेचारे आके खुश होके जाते हैं, सबकी झोली सबकी बढ़ती है, सब खुश होकर जाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं।